हेलो व्यूअर्स, आई एम वजाहत। वेलकम यू टू लालाबेल बिगिनर टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीरीज ब्रॉट टू यू बाय प्रोग्रामिंग मेंटोर। पिछले वीडियो में मैं अपने प्रोजेक्ट के कुछ व्यूज बना चुका हूँ। आज उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलते हैं। हम जहाँ पे व्यू को कॉल करते हैं, उस जगह पे व्यू में कुछ डेटा अगर हमने बैकएंड से भेजना हो तो वो किस तरीके से भेजा जाएगा, उसके हम तीन डिफरेंट मेथड्स जो लारावेल में यूज़ किए जा सकते हैं वो सीखेंगे। उसमें से एसोसिएटिव अरे के ज़रिए हम डेटा भेज सकते हैं व्यू के ऊपर। एक विद का हेल्पर फंक्शन है लारावेल में, उसके ज़रिए डेटा भेज सकते हैं। और एक कॉम्पैक्ट का मेथड है, उसके ज़रिए हम व्यू के ऊपर डेटा भेज सकते हैं। उसके बाद हम वो डेटा जो व्यू के ऊपर हमें रिसीव हो जाएगा तो उसको हम प्लेट के ऊपर डिस्प्ले करना सीखेंगे कि डायनामिक डेटा को किस तरह से प्लेट के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। देन वी विल लर्न अबाउट एक्सटेंडिंग अ लेआउट इन ब्लेड टेम्पलेट, कि हम ब्लेड में लेआउट को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्चुअली पहले तो मैं ये इसको समझाऊंगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर हम सीखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। देन कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जिसमें हम बूटस्ट्रैप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे व्यू के ऊपर। बूटस्ट्रैप टेबल के बारे में देखेंगे कि टेबल के ऊपर किस तरह बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई की जाती हैं। कार्ड्स देखेंगे क्या होते हैं। देन वी विल लर्न अबाउट डेटा टेबल, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफर्ड बाय बूटस्ट्रैप एंड जेक्यूरी। और इसके ज़रिए हम टेबल को बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये वो एप्लीकेशन है जो हम अभी तक बना रहे हैं और इसमें कुछ व्यूज़ हम बना चुके हैं। मैं आपको ये इमेज मैंने पिछले वीडियो में बना के दिखाई है कि अभी हमारा जो इंटेंडेड व्यूज़ हैं वो ये चार हैं, जिनमें से पिछली वीडियो में मैं ऑलमोस्ट जो ऊपर वाले तीन हैं वो बना चुका हूँ। ये वाला व्यू, ये वाला जो दरमियान वाला व्यू है उसमें हम टेबल अभी नहीं बना चुके, वो आज इंशाल्लाह बनाएंगे और उसमें कुछ डेटा प्रेजेंट करेंगे कि जो बैकएंड से हमें मिल रहा होगा व्यू के ऊपर। उसके बाद एक नया व्यू आज हम क्रिएट करेंगे कि जिसमें हम इस टेबल में से किसी एक कॉन्टैक्ट का जो एक्शन है शो, उस पर क्लिक करने से एक नया व्यू ओपन होगा और उसी सर्टन कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हमें इस व्यू के ऊपर नज़र आएंगी। ठीक है, ये व्यूज़ पिछली वीडियो में मैं बना चुका हूँ, लेकिन उन व्यूज़ को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, ज़्यादा नहीं। अभी आप देख सकते हैं, ये मेरा लैंडिंग पेज है जहाँ पर एक ऊपर नैव बार है जिसमें मेरे पास दो लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट्स और कंपनीज़। कंपनीज़ के ऊपर अभी तक हमने काम नहीं किया इसलिए ये भी लिंक ब्लैंक है। कॉन्टैक्ट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक इंडेक्स पेज के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, राइट। और एक मेरे पास और व्यू है ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और वहाँ पर मैं एक नया व्यू क्रिएट कर सकता हूँ जो कि यहाँ पर एक फॉर्म बनेगा। अभी करंटली मैंने ब्लैंक यहाँ पे व्यू क्रिएट कर दिया ताकि हम इन व्यूज़ को पॉपुलेट कर सकें एज पर आवर रिक्वायरमेंट, राइट। चलें आज का काम शुरू करते हैं कि जिसमें सबसे पहले हम बैकएंड से जो डेटा है वो व्यू के ऊपर भेजेंगे थ्री मेथड्स के ज़रिए। करंटली हमारे पास प्रोजेक्ट में कोई डेटाबेस नहीं है कि जिसके ज़रिए मैं डेटा इकट्ठा करके फ्रंट एंड के ऊपर भेज सकूं और व्यू के ऊपर उसको डिस्प्ले कर सकूं। तो हमें एक स्टैटिक कुछ डेटा लेना पड़ेगा कि जिसको हम व्यू के ऊपर भेज सकें और वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकें। मैंने एक डेटा कुछ इकट्ठा किया है, एक ये मैंने एक एरे बनाई है कॉन्टैक्ट्स की कि इनिशियली हम ये स्टैटिक कुछ डाटा उसमें व्यू के ऊपर भेजेंगे, वहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। बाद में क्या होगा कि हमारी डेटाबेस में से कुछ इसी किस्म का डेटा जो है वो गैदर करके हम व्यू के ऊपर भेज रहे होंगे। तो हम इस डेटा को यूज़ करते हैं, मेरा जो ये वाला राउट है कि जहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट्स का इंडेक्स पेज कॉल कर रहा हूँ, ये वाला पेज कि जहाँ पे मैंने तमाम कॉन्टैक्ट्स को एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो मैं इस राउट में जाके ये स्टैटिक एक एरे है कि जिसमें मैंने कुछ रैंडम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो जनरेट करके एरे बना दिया। इस एरे को हम
फ्रंट एंड के ऊपर या व्यू के ऊपर तीन तरीके से भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे का तरीका यह है कि हमारा जो लारावेल का हेल्पर फंक्शन है व्यू, उसके ही सेकंड आर्गुमेंट में, पहले आर्गुमेंट में हमने उसको व्यू फाइल का लोकेशन देनी है, और दूसरे आर्गुमेंट में हम एक अरे देंगे जिसमें जितने भी हमने वेरिएबल्स फ्रंट एंड के ऊपर भेजने हैं वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देंगे। करंटली मेरे पास एक ही वेरिएबल है जो कि ये मेरी अरे है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, हम इसको एसोसिएटिव अरे में एक की वैल्यू पेयर की फॉर्म में भेज देंगे। की वैल्यू पेयर में क्या होगा, इनिशियली हम एक की असाइन करेंगे और बाद में उसको बता देंगे कि उसने किस चीज को कैरी करके लेके जाना है। ये जो नाम है ये आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट यहाँ पे भी हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा जो राउट का प्लेटफॉर्म है ये इस जगह पे ये वाला वेरिएबल यूज हो रहा है, और इस वैल्यू की जो की है कॉन्टैक्ट, इसके जरिए हम लेट मी कॉल इट कॉन्टैक्ट्स ताकि इट शुड मेक सम सेंस कि इसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट आ रही है। मैं व्यू के ऊपर इस नाम से इसको गैदर करूंगा, ठीक है, व्यू से इस नाम के जरिए मैं इसको गैदर कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई एक ऐसा सिनारियो आ गया है कि जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हमने व्यू के ऊपर भेजना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैसेज के नाम से कोई मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फर्ज करें एक मैसेज है data to be sent on view। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ इस स्ट्रिंग को भी भेजना है विद दिस नेम, तो मैं इसी एसोसिएटिव एरे में कॉमा के साथ एक और की वैल्यू पेयर को भेज सकता हूँ जिसका मैंने नाम शॉर्ट में मैसेज रखा है और यहाँ पे इसका नाम मैसेज है। तो अब मैं व्यू के ऊपर जाके इन दोनों कीज के जरिए इस की के जरिए इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ और इस की के जरिए इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अभी हम देखेंगे आगे कि हम व्यू के ऊपर किस तरह से हम इन की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। सो ये तरीका था एसोसिएटिव एरे में डेटा जो है वो व्यू के ऊपर भेजने का। अनदर मैथड टू सेंड डेटा ऑन व्यू इज यूजिंग द विद मैथड। विद में क्या है, विद इज एक्चुअली अ हेल्पर फंक्शन इंट्रोड्यूस बाई लारावेल। हम व्यू मैथड के बाद एक विद का मैथड इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसमें विद मैथड के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ये है कि आपने व्यू में उसको किस की के जरिए कैप्चर करना है, और सेकंड आर्गुमेंट जो हमारा इधर का लोकल वेरिएबल होगा वो होगा कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, विद में अगर हमने एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स को लेके जाना है व्यू के ऊपर तो हमें मल्टीपल विद मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करना पड़ेंगे। लाइक अगर मैंने मैसेज को भी भेजना है तो आई विल राइट अनदर विद और उसमें अगेन आई हैव टू सेंड टू आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस। और अगर तीसरा भी कोई है आइटम व्यू के ऊपर भेजने वाली, देन आई विल हैव टू अप्लाई अनदर व्यू अनदर विद मैथड, राइट। सो दिस वॉज द सेकेंड एंड नाउ थर्ड एंड द लास्ट मैथड टू सेंड डाटा ऑन व्यू इज द कॉम्पैक्ट मैथड। कॉम्पैक्ट मैथड में हम अपने व्यू के हेल्पर फंक्शन के अंदर ही सेकंड आर्गुमेंट में कंपोनेंट सेकंड आर्गुमेंट में कॉम्पैक्ट के नाम से एक हेल्पर फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और उसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एक ही फॉर्म में भेज एक ही कॉम्पैक्ट के फंक्शन में भेज सकते हैं। फर्स्ट करें आई हैव टू सेंड contacts, I have to send message,
अगर इससे ज़्यादा भी, अगर मेरे पास कोई और भी वेरिएबल है कि जिसको मैंने व्यू के ऊपर भेजना है, तो उसको भी मैं इसी कॉम्पैक्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट करके भेज सकता हूँ, राइट? सो दीज आर द थ्री मैथड्स दैट आर यूज टू सेंड डाटा ऑन व्यू इन लारावेल. सो लेट अस स्टिक टू द फर्स्ट वन विच इज एसोसिएटिव एरे. एसोसिएटिव एरे में हम व्यू के हेल्पर फंक्शन में ही सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एक एरे देंगे जिसमें हम की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा को व्यू के ऊपर भेज सकते हैं, लाइक दिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेंडिंग डेटा ऑन व्यू. नाउ लेट अस ग्रैब दिस डेटा विच वी हैव रिसीव्ड ऑन द व्यू एंड डिस्प्ले इट, विच इज क्वाइट ईजी. हम इंडेक्स डॉट ले डॉट पी एच पी पे जाते हैं विच इज शोन लाइक दिस. हमने क्या करना है कि एक यहाँ पे एड न्यू कॉन्टैक्ट का बटन है और उसके नीचे हम यहाँ पे टेबल की फॉर्म में जो डेटा हमें रिसीव हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे. तो यहाँ पे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं. टेबल क्रिएट करता हूँ. माइक्रोसॉफ्ट वीजुअल स्टूडियो कोड में अगर हम जो सिमेंटिक टैग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टेबल है, तो हम टैग का नाम लिख के अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो वो हमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैब दोनों प्रोवाइड कर देगा. और हम टेबल में पहले उसका एक हेडर डिफाइन करेंगे विच इज डी हेड, और उसमें हम एक टेबल रो डिफाइन करेंगे और देन टेबल हेडर्स. सबसे पहले हम सीरियल नंबर मेंशन कर देते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वीजुअल स्टूडियो कोड में मैं आपको साथ साथ इसकी शॉर्ट कीज भी बता रहा हूँ. अगर आपने एक रो को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है, जैसा कि मैं अब ये टेबल हेडर का जो कॉलम है इसमें मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और मैंने इस अब 53 लाइन को, ये जो 53 लाइन है इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वीजुअल स्टूडियो कोड में हम इस लाइन के ऊपर रहते हुए कर्सर यहाँ पे रख के अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट प्रेस करेंगे और डाउन प्रेस करते जाएंगे तो इस लाइन की मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी. सो आई विल ऐड नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट. हम इस कॉलम में कॉन्टैक्ट का नेम दिखाएंगे. देन वी विल शो ईमेल, देन द कॉन्टैक्ट नंबर. Then we will give some action. Currently हम show का एक action बनाएंगे कि जिसमें हम show पे click करने से एक certain contact की details हमें display हो जाएंगी. Okay, now let us create tbody, table body. Table body में हमें अब header हम बना चुके हैं, जैसे कि इस image में था. टेबल हेडर में मैंने ये वाली जो ऊपर वाला हेडर है ये डिफाइन कर दिया. अब हमने बॉडी में जो डेटा हमें बैकेंड से आ रहा है कि जिसमें एक हमने स्टैटिक एरे भेजी है कॉन्टैक्ट्स की, उसको हमने डिस्प्ले कराना है. अब यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक लूप का यूज़ करना पड़ेगा कि जिसमें हम आइटरेटिवली एक एक रो को डिस्प्ले करवाते जाएंगे और हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो लारावेल ब्लेड व्यू में हमारे पास फॉर ईच के नाम से एक लूप है, हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैंने फॉर ईच लिखा है तो वो मुझे उसके ऊपर गाइड दे रहा है कि ये फॉर ईच ब्लॉक है. मैं इस पे अगर आके अगर एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास एक फॉर ईच ब्लॉक आ गया. इस ब्लॉक में मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगा सकता हूँ. अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉन्टैक्ट्स के नाम से, राइट? तो इसको मैं लूप करूँगा लाइक कॉन्टैक्ट्स एज कॉन्टैक्ट. इसकी कन्वेंशन ये है कि आपका पहला जो वर्ड है वो प्लूरल होना चाहिए, कि ये लिस्ट है और उसमें से आपने एक इंस्टेंस लेके उसके ऊपर आपने एक लॉजिक परफॉर्म करनी है. अब वो लॉजिक क्या है कि हमारा एक टेबल रो क्रिएट होगी हर आइटरेशन में,
और उस टेबल रो में हम सबसे पहले उसकी आईडी डिस्प्ले करवाएंगे, जिससे मतलब उसका सीरियल नंबर आएगा। अच्छा, अब आईडी डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इसी इंस्टेंस का की भी लेना पड़ेगा, जो कि हमने इस तरह से इनिशियलाइज कराया हुआ है कि वन जो आपका पहला कॉन्टैक्ट है जिसकी डिटेल्स ये हैं और उसकी की वन है, देन टू थ्री फोर ये सारी कीज़ हैं। तो हम इन कीज़ को अपने लूप में कुछ इस तरह से एक्सेस करेंगे की इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे अब डायनामिकली हमने डेटा को ब्लेड के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो ब्लेड के लिए डिस्प्ले करवाने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है, जिसको इको ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और इसमें हम जिस भी वेरिएबल को एंटर करेंगे, ब्लेड इंजन रेंडर करते हुए उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। तो हम यहाँ पे की को डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे की डिस्प्ले हो जाएगी। पहला कॉलम जो कि मेरा सीरियल नंबर था, उसमें मैंने की डिस्प्ले करवा दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसी लाइन की 63 जो मेरा कोडिंग की लाइन है, इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता हूँ। तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट आल्ट प्रेस करूँगा और डाउन की प्रेस करता जाऊँगा और इसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बनती जाएंगी। तो की के बाद हमने सीरियल नंबर के बाद उसका कॉन्टैक्ट का नेम डिस्प्ले करवाना है। तो नेम डिस्प्ले करवाने के लिए हमें अब इस की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, जो कि कॉन्टैक्ट के नाम से है, कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के जरिए जब मैं कॉन्टैक्ट को यहां से ग्रैब करूंगा, तो कॉन्टैक्ट के अंदर ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये पूरी की पूरी अरे पड़ी हुई है की वैल्यू पेयर्स की, और हमने पहले कॉलम में उसका नाम डिस्प्ले करवाना है। तो नाम डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये वाली की यूज करेंगे, नेम कॉन्टैक्ट, और उसके इंडेक्स में हम क्या लिख देंगे, नेम, राइट। मुझे इस टीडी की कॉपीज बना लेनी चाहिए। नेम के बाद हम ईमेल डिस्प्ले करवाएंगे एंड देन लास्ट इज फोन। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। और आखिर में हमने एक एक्शन क्रिएट करना है। करंटली मैं यहाँ पे सिर्फ शो लिख देता हूँ, अभी हम इसके ऊपर बटन क्रिएट करते हैं। आइटरेटिव टेबल इज नाउ कम्प्लीट। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा। मेरा टेबल जो है डिस्प्ले हो चुका है, जिसमें वो तमाम कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो आइटरेटिवली डिस्प्ले किए जा चुके हैं। इस टेबल को ब्यूटीफाई करते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लासेस। ये टेबल का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे मैं क्लास में टेबल स्ट्राइप्ड, ये दो क्लासेस मैंने अप्लाई किए हैं। और अब जरा पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो नाउ दिस इज अ बेटर व्यू ऑफ द टेबल विद बूटस्ट्रैप क्लासेस। हम मजीद इसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करके, लेकिन आई विल स्टिक टू दिस व्यू करंटली। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।